न्यूज़पेपर से छोटा क्रिसमस ट्री बनाने के लिए हम सबसे पहले न्यूज़पेपर को इस तरह से फोल्ड कर उसकी पेपर स्टिक्स बना लेंगे। अब हम इसमें से 10 इंच के 4 पेपर स्टिक के पीस कट करेंगे। अब हम इनको इस तरह से हाथों से फोल्ड करते हुए इनके रिंग बना लेंगे। अब हम 4 12 इंच की पेपर स्टिक के पीस कट करेंगे। अब हम एक पेपर स्टिक लेंगे और उसमें हमारे एक रिंग को इस तरह से स्टेपल करके जोड़ेंगे। इसमें हम इक्वल डिस्टेंस पर 3 और पेपर स्टिक को जोड़ लेंगे। अब हम इसमें 3 इंच पर मार्क करेंगे। जहां हमने मार्क किया है वहां हम एक और पेपर रिंग को स्टेपल करके जोड़ेंगे। अब हम इसमें 4 इंच पर मार्क करेंगे। चार इंच पर हम एक और रिंग को स्टेपल करके जोड़ेंगे। अब हम बचे हुए हमारे आखिरी रिंग को भी इसमें इस तरह से स्टेपल करके जोड़ लेंगे। अब हम एक पेपर स्टिक लेंगे और उसको इस तरह से हमारे इस फ्रेम में स्टेपल करके जोड़ेंगे। इसी तरह से हम 3 और पेपर स्टिक को हमारे इस फ्रेम में इस तरह से जोड़ लेंगे। अब इन पेपर स्टिक्स को हम बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इन फोल्ड की हुई स्टिक्स में हम 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हमने जहां पर मार्क किया है वहां से हम इन्हें ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
अब हम पेपर स्टिक से 3 इंच के पेपर स्टिक के टुकड़े मार्क करके कट करेंगे। हमें 4 पेपर स्टिक के टुकड़े इस तरह के कट करने हैं। इनको हमारे फ्रेम में ऊपर की तरफ हम स्टेपल करके जोड़ेंगे। अब हम हमारी बड़ी वाली स्टिक जो हमने इसमें जोड़ी थी उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमारे फ्रेम में इस तरह से जोड़ लेंगे। बाकी की 4 स्टिक को भी हम हमारे फ्रेम में इसी तरह से जोड़कर इसे कंप्लीट करेंगे। हमारे इस फ्रेम की जो ऊपर वाली 4 स्टिक्स हैं उनमें से 2 स्टिक्स को हम इस तरह से कट करके छोटा कर लेंगे। ऊपर वाली 2 स्टिक्स में से हम 1 स्टिक को 6 इंच पर मार्क करके कट कर लेंगे और उसे इस तरह से फोल्ड करके दूसरी वाली स्टिक में जोड़ देंगे। इस तरह हमारे क्रिसमस ट्री का ऊपर वाला पोर्शन शेप में आ जाएगा। जैसे हमने हमारे इस फ्रेम में 4 पेपर स्टिक को फोल्ड करके जोड़ा है उसी तरह से इसके जो 4 गैप हैं वहाँ हम 4 पेपर स्टिक को और ऐड करके इसे कंप्लीट करेंगे। चार पेपर स्टिक और जोड़ने के बाद इन पेपर स्टिक्स के ऊपर वाले हिस्से को हम कट कर देंगे। अब हम हमारे क्रिसमस ट्री को पूरा करने के लिए एक पेपर स्टिक लेंगे और उसे इस तरह हाथों से फोल्ड करते हुए गोल शेप बनाएंगे। इसे हम हमारे क्रिसमस ट्री के नीचे वाले पोर्शन में इस तरह से ऐड करेंगे और स्टेपल करके जोड़ देंगे। इसमें हम और पेपर स्टिक को जोड़ेंगे और नीचे वाले घेरे को पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम पेपर स्टिक से 6 इंच के 4 पीस कट करेंगे। इन्हें हम इस तरह से हमारे क्रिसमस ट्री के बॉटम वाले पोर्शन में स्टेपल करके जोड़ेंगे और बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारे क्रिसमस ट्री का स्टैंड बनेगा। इसमें हम और पेपर स्टिक को इस तरह जोड़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा क्रिसमस ट्री सीधा खड़ा हो सके। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारे क्रिसमस ट्री का बेस रेडी हो गया है। अब ये आराम से खड़ा हो सकता है। अब हम गेहूं के आटे से इस तरह का ग्लू बना लेंगे। इसे बनाने के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम हमारे क्रिसमस ट्री के बेस को न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। हमारा पूरा क्रिसमस ट्री न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर हो गया है। अब हम हमारे क्रिसमस ट्री पर ऊपर की तरफ ग्रीन कलर पेपर पेस्ट करके इसे कवर कर लेंगे।
अब हम हमारे क्रिसमस ट्री के बेस को पिंक कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। अब हम थोड़े मोटे वाले कलर पेपर की शीट लेंगे और इससे इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। इनके हम इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। अब हम पिंक कलर की कलर शीट लेंगे और उससे भी इस तरह से पतली स्ट्रिप काट लेंगे। इन्हें कट करके हम इनसे इस तरह की डिजाइन बना लेंगे। हम इस तरह की कई सारी डिज़ाइन बना लेंगे और इन्हें हमारे क्रिसमस ट्री पर इस तरह से पेस्ट करके उसे डेकोरेट कर लेंगे। हमारा क्रिसमस ट्री पूरा डिजाइन से कवर हो गया है। अब हम इसे और डेकोरेट करने के लिए इस पर बीच बीच में थर्माकोल की बॉल्स को ग्लू से पेस्ट करके कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा पूरा क्रिसमस ट्री थर्माकोल बॉल से कवर हो गया है। अब हम इस तरह का डिजाइनर वाले पेपर से एक स्टार बना लेंगे। उसमें इस तरह से एक होल्डर लगाएंगे और उसे हमारे क्रिसमस ट्री के टॉप पर रखकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा क्रिसमस ट्री पूरा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।